Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kosar and I am lecturer at Federal Science College. Okay students, let's start question number 7 of exercise 7.5. A supporting wire runs from the middle of a utility pole to the ground. From the base of the pole, find the wire makes an angle of 78.2 with the ground and touch the ground. From the base of the pole, find the height of the pole. आपने क्या करना है, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है. जो डेटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बना ली है. ये पोल है, ठीक है. पोल के मिडल से एक वायर आ रही है जो कि ग्राउंड तक 78.2 एंगल पे है, और इसके बाद वो जिस पॉइंट पे टच कर रही है ग्राउंड के, उसका एक एंड, ठीक है, वो 3 मीटर दूर है पोल की फुट से, ठीक है. तो पोल को हमने सपोज कर लिया कि वो परपेंडिकुलर है, और ये हमारी बेस, ठीक है. उसके बाद हमारे पास एंगल भी गिवन है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस का क्या रिलेशन होता है, बिल्कुल टेंजेंट थीटा होता है. तो आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ए बी, और टेंजेंट 78.2 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी की जगह आपने क्या लिखना, बी सी की जगह एच ओवर टू और ए बी की जगह आ गया 3. यहाँ आपने टेंजेंट 78.2 की वैल्यू लेनी है, 3 से उसको मल्टीप्लाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके, एट दिन आपके पास जो एच की वैल्यू आएगी, ये देखें, टोटल हाइट आपको फाइंड आउट हो जाएगी. एच ओवर टू हमने क्यों लिया, क्योंकि मिडल ऑफ द पोल से अब वैल्यू जो वायर है वो जा रही थी, तो मिडल का मतलब है कि हाफ में डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट सी जो है वो पोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो टोटल अगर एच है तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, एच बाई टू, या 1/2 ऑफ एच, या हाफ ऑफ एच. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपका कल होमवर्क था. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना इज 21.8 डिग्रीज. फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस. जो डेटा गिवन है उससे हमने फिगर बनाई है. लेट सपोज कि ये आपका ये जो हाइट बी सी शो कर रही है, ये हाउस है, और हाउस के ऊपर ये जो 8 फीट है ये उसके एंटीना की हाइट है सी डी तक, ठीक है. हाउस की हाइट और उसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है, ठीक है. एंटीना के टॉप से ग्राउंड तक एक ख़ास पॉइंट है जहाँ पर उसका एंगल बन रहा है 21.8, और जबकि उसी पॉइंट पर हाउस के टॉप का एंगल क्या बन रहा है, 17 डिग्रीज. क्लियर हो गया. ये बिल्कुल ग्राउंड से लेकर एंड तक, यहाँ पर इस तरीके से आपके पास 2 ट्राइंगल्स आ गई, ए बी सी और ए बी डी. ये दो ट्राइंगल हैं, दोनों राइट ट्राइंगल हैं. लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर करें कि ये जो ए बी है, ए बी सी में भी यही बेस है, और ए बी डी जो ट्राइंगल है उसके अंदर भी यही बेस है. देखें, अगर आप ए सी को रिमूव कर दें इस लाइन को, तो आपके पास ये बड़ी वाली ट्राइंगल ए बी डी आती है, ठीक है. इसकी बेस भी ए बी है, और ये जो ए बी सी छोटी ट्राइंगल है इसकी बेस भी ए बी है, लेकिन दोनों का एंगल डिफरेंट है. और ये आपने फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ हाउस, यानी कि आपने ये बी सी फाइंड आउट करना है, और ये सी डी सिर्फ 8 फीट इतना है, एंड हाइट ऑफ एंटीना. हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया, जो स्मॉलेस्ट ट्राइंगल है उसको कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर किया. वहाँ पर हमारे पास एंगल है 17 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स है यानी कि बी सी, और बेस है हमारे पास ए बी. अच्छा, अब ये हम ये सोचेंगे कि हमें ए बी भी मालूम नहीं है और बी सी भी मालूम नहीं है, तो हमने ये यहाँ पर टेंजेंट का ही फंक्शन क्यों ले रहे हैं. तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये वाली साइड तो हमने लेनी ही है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बी सी हमने फाइंड आउट करनी है, और ये परपेंडिकुलर है. अब हम बेस क्यों ले रहे हैं, मैंने एक चीज़ आपको स्टार्ट में बताई थी, अभी इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको क्लियर किया था कि ये जो साइड ए बी है ये बेस है दोनों ट्राइंगल की, ये कॉमन है, ठीक है. तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जाके हेल्पफुल होगा, इसलिए हमने बेस को ज़रूर साथ रखना है. तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है टेंजेंट. सो टेंजेंट 17 आ गया बी सी ओवर ए बी. बी सी एक्स है जो हमने फाइंड आउट करना है. टेंजेंट 17 यहाँ ले आए, ए बी आप यहाँ ले गए, आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. फिर आपने सेकेंड ट्राइंगल को कंसिडर किया,
दैट इज़ ट्राइंगल ए बी डी, वहाँ पर आपके पास एंगल परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी डी जो कि एक्स प्लस 8 फीट आ रहा है, ठीक है, तो हमने एक्स प्लस 8 लिख दिया, और बेस है हमारे पास ए बी, एंगल है 21.8, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ से भी हमने ए बी की वैल्यू ले ली। अब इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए बी, ठीक है, दोनों ए बी की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों की इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो एक्स ओवर टेंजेंट 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 ओवर टेंजेंट 21.8, क्योंकि देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इनकी राइट हैंड साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों ए बी इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। अब क्या करना है, आपने टेंजेंट 17 की वैल्यू, टेंजेंट 21.8 की वैल्यू, उसके बाद आपने जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, दैट वुड बी द हाइट ऑफ हाउस, और एट द एंड आपने वर्ड्स में आंसर ज़रूर देना है। सो द हाइट ऑफ हाउस इज दिस। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विद दिस पॉइंट आर ऑफ 30 and 45। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 feet हाई, ठीक है। आपको एक चीज़ गिवन है कि एक 4000 feet हाइट पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है जो कि नीचे बोर्ड्स को देख रहा है, और दो बोर्ड्स हैं जो एक लाइन में, ठीक है, तो उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 है और एक 45 है। अब आप सोच रहे होंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर से नीचे देखा जाता है, तो टीचर ने यहाँ पर क्यों बनाया हुआ है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, तो पैरेलल टू ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वी नो दैट कि किसी भी पैरेलल लाइंस के दरमियान जो ट्रांसवर्सल होता है वहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये रूल, बाय यूजिंग दिस रूल, ये जो 30 डिग्री है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, इस ये जो ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइन के दरमियान, इसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, और फिर इसी तरीके से ये जो 45 है ये भी यहाँ इसका अल्टरनेट है तो ये इसके इक्वल हो गए। ये देखें 30 इस लाइन का अल्टरनेट और 45 इस लाइन का, यहाँ पर है अगर तो इस लाइन के इस तरफ भी ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसलिए ये हमने यहाँ पे एंगल्स ड्रॉ कर लिए, उसके बाद पॉइंट्स को ए बी सी और डी का नाम दे दिया। इस तरीके से भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं, देखें एक है बी सी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी तरीके से ए सी और डी, अगर ये बीच वाली लाइन को रिमूव कर दिया जाए तो आपके पास एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल आ जाती है, ठीक है, एक ट्राइंगल का एंगल 45 है और एक का है 30 डिग्री। अब यहाँ इस ट्राइंगल में हमारे पास कॉमन क्या है, पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियस, उसमें हमारे पास बेस कॉमन थी, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये परपेंडिकुलर जो है 4000 फीट हाइट वाला ये कॉमन है 45 डिग्री वाली ट्राइंगल में भी और 30 डिग्री वाली ट्राइंगल में भी, यानी कि ट्राइंगल बीसीडी में भी और ट्राइंगल एसीडी में भी। पहले हम लेंगे ट्राइंगल बीसीडी जहाँ पे परपेंडिकुलर अल्फा और बेस हमें अच्छा एक और बात कि हमें ये परपेंडिकुलर मालूम है, एंगल मालूम है। अब आप कहेंगे कि टीचर हमने बेस को ही कंसीडर क्यों नहीं किया, हमने हाइपोटेनियस क्यों नहीं ले लिया, बेस भी तो अननोन है हमारे लिए, हमने हाइपोटेनियस क्यों नहीं ले लिया, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि परपेंडिकुलर के साथ हमने बेस का रिलेशन क्यों लिया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में दोनों बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस, और दोनों बोर्ड्स जो हैं वो बेस के ऊपर लाई कर रही हैं, ठीक है, तो इट मीन्स के समहाउ कहीं ना कहीं हमें बेस चाहिए, तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, दैट इज़ टेंजेंट, टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू 4000, यानी कि वही परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस यहाँ पर हमारी बी सी है इन ट्राइंगल बी सी डी में, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, 4000 ओवर बी सी, बी सी की वैल्यू आ गई 4000। अब हमने ट्राइंगल ए सी डी को लिया, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, देखें ट्राइंगल ए सी डी में हमारे पास बेस क्या होगी, ए सी हमारे पास टोटल बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसका एक हिस्सा ए बी है और एक हिस्सा बी सी है, ए बी को हमने एक्स से मेंशन किया है, दूसरा हिस्सा बी सी है, तो हम इसको लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, और ए बी किसके इक्वल है एक्स, तो एक्स प्लस बी सी को हमने एज अ बेस कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस की जगह हमने लिखा x प्लस बी सी, रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है।
तो x प्लस बी सी 4000 टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 3 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 4000 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर बी सी की वैल्यू पुट कर दें जो हमने प्रीवियस यहाँ से फाइंड आउट की थी, दैट इज़ 4000, बी सी की जगह 4000 वहाँ चला गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, 4000 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 6928.2 माइनस 4000 मल्टीप्लाई करें 2928.2 फीट आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद आपने इसको राइट करना है इन वर्ड्स के द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड इज़ 2928। और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पे है, इसी पैटर्न पे है, जहाँ पर टेंजेंट के साथ 30 और 45 डिग्रीज के एंगल हैं। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आप पहले 45 वाली ट्राइंगल को यूज़ करेंगे और फिर टेंजेंट 30 वाली में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 तो मैंने आपको बता दिया आपकी डायरी है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज 30 फीट अबव अ रिवर वॉचिंग अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग टूवर्ड्स वी, इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द इन फ्रंट ऑफ लॉग इज 16.7 and the angle with the horizontal to the back of the log is 14 degree, how long is the log। कह रहे हैं कि अगर हम एक खास ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हैं, ठीक है, 30 मीटर अबव सी लेवल से, और वहाँ पर एक लॉग है, लकड़ी का एक तख्ता सा है जो कि फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है सी के लेवल पे, ठीक है, और उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके फ्रंट से हमारा कुछ एक खास एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 16.7, और उसके बैक पे कितना बन रहा है 14 डिग्रीज। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, लॉग की लेंथ, ठीक है, वही बिटवीन द पैरेलल्स वाला और जो ट्रांसवर्सल वाला रूल यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे 16.7 और यहाँ पे 14 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। उसके बाद हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं, एक है हमारे पास ए सी डी और एक है हमारे पास बी सी डी, ठीक है, एक एंगल है 16.7 और एक है 14। यहाँ इन दोनों ट्राइंगल में भी हमारे पास एक साइड कॉमन है, दैट इज़ 30 मीटर सी डी, परपेंडिकुलर हमारे पास दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। कंसीडर की हमने सबसे पहले बी सी डी, जहाँ पर एंगल परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, टेंजेंट से 16.7 30 ओवर बी सी, और बी सी यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड पे ले गए, टेंजेंट 16.7 की वैल्यू आ गई 0.3, 30 डिवाइडेड बाय 0.3 हमारे पास आ गया 100 मीटर। इस तरीके से BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 मीटर, जो आगे जाके हम वहाँ पे पुट कर देंगे। अब दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ACD। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेंजेंट का ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर तो लेना ही मस्ट है जिसकी वैल्यू गिवन है, उसके अलावा जो वैल्यू हमें वो जो लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो ये डिस्टेंस था, ठीक है, AB, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया AB, तो बेस है तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, वही हमारे पास टेंजेंट है, तो टेंजेंट 14 इज इक्वल्स टू 30 ओवर बी सी प्लस एक्स। अच्छा, बी सी प्लस एक्स हमने क्यों लिया, क्योंकि ये देखें ये वाली साइड बी सी प्लस एक्स, टोटल साइड है ए सी, ठीक है, बेस ए सी डी ट्राइंगल में टोटल बेस है ए सी और उसके दो पार्ट्स हैं बी सी और ए बी, तो ए बी की जगह है एक्स, तो बी सी प्लस एक्स आ गया। टेंजेंट 14 इज इक्वल्स टू 30 ओवर बी सी प्लस एक्स, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेंजेंट 14 नीचे, टेंजेंट 14 की वैल्यू आ गई 0.2493, ठीक है, यहाँ से अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और इसका आंसर वर्ड में ज़रूर लिखना है। आई होप के बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।